हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा मनी ब्लॉग्स। और बहुत दिन बाद कर रही हूँ ब्लॉग स्टार्ट। रुद्रा को चोट लग गई थी, बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कभी कुछ ऐसे ही हो रहा था तो ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। इधर रुद्रा बैठा हुआ है, दूध पी रहा है और अभी छुट्टी चल रही है बच्चों की। और यहाँ पर साउथ में दशहरे पर 10 दिन की छुट्टियाँ मिलती हैं, 2 तारीख से इनकी छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई थी, 2 अक्टूबर से। और कब तक चलेंगी छुट्टियाँ? छुट्टियाँ चलेंगी इनकी 13 तक 14 को जाना है ना। तो आज किया है ब्लॉग स्टार्ट, अभी भी घर पर ही है, टूट गया है, दोनों उठ चुके हैं, दूध पी रहा है, बस अभी कभी बना के रख दिया है। मैं भी अपनी चाय बनाती हूँ, पूजा वगैरह हो चुकी है, सब डन, तो चलते हैं किचन में। लक्ष्मी अभी काम कर रही है, अपना कंप्लीट नहीं हुआ है तो जल्दी से बनाते हैं चाय। काम हो चुका है सारा कंप्लीट, चाय वगैरह मैंने पी ली थी। और अभी आई है हेमा बच्चों से मिलने के लिए, बहुत दिन हो गए थे हेमा नहीं आई थी। हेलो, हाय हाय हाय, हेमा आई है आते के साथ। बस मेरी तो कम बातें होती है, बच्चों के साथ इनका शुरू हो जाता है गेम, उनको खेलना स्टार्ट कर दिया है बच्चों ने। यहाँ पर बैठकर खेल रहे हैं उनो, और बच्चों ने की है अभी मैगी खाने की डिमांड, तो बस अभी मैगी बना रही हूँ इनके लिए। और रुद्र चोर दिखाना बेटे, चोर दिखाओ है? रुद्र ऐसे नहीं बोलते, रुद्र को यहाँ पे चोट लगी हुई थी, दिखाओ बेटे। हाँ अभी थोड़ी ठीक हो गया, हेयर भी आना शुरू हो गया है, बहुत ज्यादा उसको चोट लग गई थी। बस चलते हैं किचन में, बच्चों के लिए मैगी बना देती हूँ, बस रेडी हो चुकी है, बस बाउल में सर्व करके दे देती हूँ। प्लेन मैगी इनको खानी थी, मैगी हो चुकी है रेडी, बस दे देती हूँ बच्चों को सर्व करके। दोनों को खानी है अभी, और रुद्र दोनों को मैगी खानी। इसकी म्यूजिक क्या कर रही है, इनको दिखा क्या कर रहे हो बच्चों? है यहाँ पर दोनों बच्चे खा रहे हैं, और गुआवा और अपनी न्यू फुटवियर पहनकर और रुद्रु अपने यहाँ पर न्यू शूज पहने हुए, बहुत ही सुंदर है भाई। क्यूटी पाई की शूज दिखाओ, शूज मुझे अपने है 1920। ये शूज मैं ले लूँ बेबी? हाँ। ये मुझे बहुत सुंदर, मुझे ऐसे शूज चाहिए, ऐसे ही चाहिए मुझे शूज। क्या बनाऊं बताओ? रुद्रु जो बोलेगा वो बनाएंगे हम। क्या खाना है आपको? मशरूम, ओके मशरूम बनाते हैं। आपको क्या खाना है? आपके लिए लौकी बना दूं? मशरूम। आप क्या खाओगे? सब ऑर्डर दे दो अपना अपना। गोली शांति। बस बच्चों की डिमांड हुई है मशरूम खाने की, मशरूम करी बनानी है, तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं मशरूम करी। 10 मिनट में रेडी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस मसाला भुनने में ही टाइम लगेगा, तो फटाफट बना देते हैं मशरूम करी। यहाँ पर हो चुका है मशरूम करी का मसाला, रेडी हो चुका है, अच्छे से भून लिया है हमने इसको। प्याज टमाटर का ग्रेवी बनाया है, उसमें मैंने टमाटर के साथ थोड़ा सा काजू को पीस लिया और थोड़ा सा क्रश करके डाला है, प्योरी में भी डाला था और थोड़ा काजू को क्रश करके कसूरी मेथी वगैरह सब डाला है। बस ये हो चुके हैं रेडी, और इसमें अब हम डालेंगे मशरूम। मशरूम मैंने साफ करके रख लिया था, पूरा डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे। बस मिक्स कर लेंगे, और इसमें थोड़ा सा डालूंगी मैं दूध, पानी यूज़ नहीं करूंगी, थोड़ा सा आधे कप के करीब दूध डालेंगे और इसको पका लेंगे, और हमारी मशरूम करी हो जाएगी रेडी। लंच हो गया रेडी, बस जल्दी से बच्चों को कराते हैं। रुद्रु चलो, आपकी फेवरेट मशरूम करी खाएंगे आज, ठीक है? आंटी खिलाएंगी रुद्रु को, है बेबी? आ जाओ इधर बैठ जाओ, आप पढ़ते रहना, आंटी खिलाती रहेंगी। चलो कर लेते हैं लंच, बैठ जाओ। अभी लंच वगैरह हो चुका है कंप्लीट, और दोनों बच्चे लेकर बैठे हैं क्ले, दोनों बच्चे नहीं तीनों बच्चे, तीनों खेल रहे हैं क्ले से। और हम भी सोच रहे हैं, बस मैं भी अपना क्राफ्ट का कुछ करने का सोच रही हूँ, थोड़ा पहले करके रखा हुआ है तो उसको भी कम्प्लीट कर दूँ, वरना ऐसे ही रखा रह जाएगा, तो लाती हूँ उसको भी निकाल के। बच्चे भी बैठे हुए अपने में रहेंगे, वरना करने नहीं देते हैं कुछ भी। वो ये थर्माकोल की शीट रखी हुई थी, इस पर मैंने न्यूज़पेपर लगा के थोड़ा टिश्यू पेपर इस पर लगाया, उसको रिंकल्स में ऐसे ही लगाया क्रश करके अच्छे से, तो आधा तो रेडी हो गया, आधा भी बाकी है, कलर वगैरह करना है, मिरर्स लगाने हैं,
तो इसको भी हम करते हैं रेडी, यहीं पे रख लेते हैं बेड पर। तो इसको पहले ब्लैक कलर का पेंट करूंगी मैं, कलर ले आई हूँ, ब्लैक कलर करेंगे इसके ऊपर, फिर उसके ऊपर करेंगे हम गोल्डन कलर। तो जल्दी से इसको करते हैं हम कंप्लीट, थोड़ा सा ही काम बचा है। ब्लैक कलर हो गया इस पर कंप्लीट, और बस अब हमें इस पर देना है थोड़ा गोल्डन का टेक्सचर देना है इस पर, हल्का हल्का गोल्डन कलर हम इस पर लगाएंगे। ये भी एक्राइलिक कलर ही लिया है गोल्डन का, तो जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत टाइम लगा है ब्लैक कलर करने में इसमें, इस पर पूरे पर गोल्डन कलर कर दिया है और इसमें टेक्सचर इतना आ नहीं रहा है, रियल में बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। अब बस इसका लास्ट काम बचा है, इस पर हमें लगाने हैं मिरर्स, तो वो भी जल्दी से लगा लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट डेकोरेशन। फ्रेंड्स डेकोरेशन हो चुका है पूरा रेडी, उस पर कलर वगैरह करके और मिरर्स मैंने लगा दिए और बहुत ही सुंदर लग रहा है। दिखाते हैं उसका फाइनल लुक, अभी दिखाए फाइनल लुक दिखाए, अभी ने भी थोड़ी सी हेल्प करिए मिरर्स लगाने में, तो फाइनल लुक दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये है हमारी डेकोरेशन का फाइनल लुक, बहुत ही सुंदर लग रहा है। बटरफ्लाईज और गोल्डन और सिल्वर मिरर्स मैंने इस पर लगाया है, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल, बीच में फ्लावर शेप में और साइड में स्क्वायर वाले साइड में स्क्वायर वाले मिरर्स लगाए हैं, बीच में ये फ्लावर शेप में। पूरा मैंने मीशो से मंगाया था, 110 या 120 के आसपास मुझे ये मिला था पूरा सेट। मीशो पे ये मिरर्स मुझे बहुत ही सस्ते मिल गए थे और बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी कैसा लगा? अच्छा। किसके रूम में लगाऊँ, आपके रूम में अपने रूम में? अपने रूम में लगाऊँगी ये। ये क्या है, क्या है ये? आपके रूम में लगा है ना, अभी के रूम में ये फ्लावर्स वाला मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो सोचूं अपने रूम में लगाऊं। वैसे बनाया तो अभी के रूम के लिए ही था, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो कंप्लीट हो गई है और बस अभी बच्चों को पीना है एप्पल जूस, तो जल्दी से इनको एप्पल जूस बना के देती हूँ। आपको पीना है? रुद्रा का बहुत मन है एप्पल जूस पीने का, तो उसको बना के देती हूँ जल्दी से। एप्पल मैंने कट कर लिया है, बस इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करूंगी और दूध ऐड करूंगी, बना लेंगे एप्पल जूस। एप्पल जूस या एप्पल शेक कुछ भी बोल सकते हैं, पानी के साथ भी बना सकते हैं और दूध के साथ। तो थोड़ा सा मैं इसमें दूध ऐड करूंगी। यहाँ पर एप्पल शेक हो चुका है रेडी, देकर आते हैं बच्चों को। बच्चों को बहुत पसंद है, रुद्रा को बहुत बहुत देर से बोल रहा था, जाओ उठा लो किचन में से, रुद्रा के ले लेंगे। ये हो चुका है रुद्रा का एप्पल जूस रेडी, टेस्ट करके बताओ कैसा है। टेस्टी है, बोल के बताओ मम्मा को, बहुत टेस्टी। गिरे ना, ढंग से पकड़ो, ठीक है, पी लो, चलो ओके। पूरा रूम आज मैंने फैला दिया है, बस अब समेटूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, सारा साफ सफाई करनी है। क्राफ्ट के चक्कर में पूरा रूम मैंने फैला दिया है, जस्ट अभी करी है सारी सफाई, झाड़ू वगैरह कर दिया है साफ। बहुत ही गंदा हो गया था पूरा, बच्चों ने बहुत ही ज्यादा सामान पूरे रूम में क्ले फैला दिया था, और मैंने क्राफ्ट का भी किया था तो क्राफ्ट से बहुत गंदगी हो गई थी। तो ये पूरा रूम हो चुका है साफ, और बस अभी पूजा करके आऊंगी, 6:30 बज चुके हैं, तो शाम की पूजा कर लेती हूँ, दिया जला देती हूँ, तो जल्दी से करके आती हूँ। और बच्चे बैठे हैं दूसरे रूम में, अभी रूम समेटा है तो दूसरे रूम में बैठ गए हैं फैलाने के लिए, दोनों इधर आ गए हैं, तो जल्दी से पूजा करके मिलते हैं तब। फ्रेंड्स डिनर वगैरह हो चुका है सब कंप्लीट, पूजा करने के बाद कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, और डिनर कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद कुछ कुछ ऐसे ही काम कर रही थी, और टाइम हो चुका है लगभग 11:40 हो चुका है। मिस्टर मणि सो चुके हैं, अभी को भी अभी जस्ट भेजा है, बच्चों की छुट्टी है तो रात में भी देर से ही सोते हैं। और रुद्र अभी देख रहा है बुध और बद्री, क्या देख रहे हो अभी है, कार्टून देख रहा है बुध और बद्री, और मैं बस अभी काम खत्म करके आई थी। और हाँ, कल रहेगा नवरात्रि का फास्ट, तो पूजा वगैरह भी होगी, फास्ट रखूंगी, 2 दिन का फास्ट होता है, 9वीं को होगी पूजा, तो और मेड भी छुट्टी के और मेड भी गई है छुट्टी पर, तो सारा किचन वगैरह सब क्लीन करके आ गई हूँ, बर्तन वगैरह सब वॉश कर दिया है, पूरा साफ कर दिया है, बस सुबह उठ के झाड़ू पोछा वगैरह ही करना होगा। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।